पर हो रहे हंगामे की करते हैं। दरअसल स्कूलों में सूर्य नमस्कार के खिलाफ हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है और मामले से जुड़ी दो याचिका पर आज सुनवाई होनी है। राजस्थान मुस्लिम फोरम ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, AIMIM ने भी हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। कल से प्रदेश के सभी स्कूल में सूर्य नमस्कार होना है। मुस्लिम संगठनों ने आदेश पर आपत्ति जाहिर की थी। आदेश को अनिवार्य करने के बजाय वैकल्पिक करने की मांग मुस्लिम संगठन कर रहे हैं और उसी को लेकर देखिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। दो याचिका बताई जा रही है सूर्य नमस्कार के खिलाफ दाखिल की गई हैं, जिस पर आज हाई कोर्ट अपनी सुनवाई करेगा। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि हाई कोर्ट इस पर क्या कुछ टिप्पणी करता है। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साफ तौर पर कह चुके हैं कि स्कूलों में सूर्य नमस्कार जरूरी है, चूंकि यह किसी तरह का कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, यह एक आसन है, यह एक योग है और कई देशों ने इसे स्वीकार किया है। लिहाजा 21 जून को भी हम योग दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ऐसे में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि आर्टिकल 25 ये हमें धर्म की स्वतंत्रता देता है और ये धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला आदेश है। लिहाजा अब सभी की निगाह हाईकोर्ट पर टिकी हुई है, चूंकि हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर अब अपनी सुनवाई करने जा रहा है। राजस्थान मुस्लिम फोरम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसके साथ साथ देखिए AIMIM ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, यानी कुल मिलाकर दो याचिका है जिस पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। कल 15 फरवरी और 15 फरवरी को सूर्य का जन्म होता है, सूर्य अष्टमी है और उसी को लेकर सूर्य नमस्कार के आदेश दिए गए थे। कार्यक्रम का आयोजन बड़े लेवल पर सभी स्कूलों में किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि सूर्य नमस्कार का आयोजन होगा। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है, लेकिन सबके बीच में विवाद और अब हाईकोर्ट पर सबकी नजर। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, सभी की निगाह हाईकोर्ट पर टिकी हुई है, कितने बजे होगी सुनवाई? बिल्कुल, देखिए लंच के बाद ये सुनवाई शुरू हो सकती है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि याचिका लगी है, याचिका को कोर्ट ने स्वीकार किया है, आज हाईकोर्ट इस मामले को याचिका को देखेगा। याचिका को देखने के बाद सबसे पहले संभवतः राज्य सरकार को नोटिस जा सकते हैं और उनसे जवाब मांगा जा सकता है। उसके बाद एक निश्चित अवधि में हाईकोर्ट सरकार से जवाब मांगकर मामले को देखेगा, चूंकि जो मुस्लिम इस्लामिक संगठन है उनका ये कहना है कि ये धार्मिक भावनाओं के विपरीत जो है ये आदेश जारी किए गए हैं और इस पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। साथ ही इसमें जो मूल अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उनके हनन के भी आरोप लगाए गए हैं। जो सैयद असगर अली जो अधिवक्ता हैं मुस्लिम संगठनों के, जिन्होंने याचिका पेश की है, तो उनसे हमारी बात हुई है और उनका कहना है कि इस दिशा में पहले भी जो अन्य हाईकोर्ट हैं, जो न्यायालय हैं, उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं और उन्हीं के अनुसार याचिका लगाई गई है। तो आज राजस्थान हाईकोर्ट की ऐसे में क्या तैयारी है, उनकी तरफ से कौन पैरवी करने वाला है, क्या दलील होती है, हो सकती है सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने जिस तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सूर्य नमस्कार का आयोजन किया है और सूर्य नमस्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्यतः सभी जगह पर हो सकती है, इसमें धार्मिक भावनाओं से जोड़ना सरकार का मकसद नहीं है। सरकार का मकसद जो छात्र हैं उनको किस तरीके से प्रकृति के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं, तो इसमें किस तरीके से युवाओं को प्रेरित किया जाए, उस दिशा में सरकार ये प्रयास कर रही है और सरकार ने और शिक्षा विभाग ने इसीलिए जो छात्र हैं उनको एक सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए तैयार किया है, ताकि एक बड़ा इवेंट बन सके और लोगों में प्रकृति के प्रति जो है जन जन तक एक मैसेज पहुंच सके। राकेश, चूंकि ये सीधा सीधा मामला संविधान से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कहा जा रहा है मुस्लिम संगठनों की तरफ से, और चूंकि कल अब 15 फरवरी, ये बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है सूर्य नमस्कार का आयोजन होगा, तो क्या ये मुमकिन है कि एक दिन में ही ये मामला की सुनवाई हो जाए और आदेश पारित कर दिया जाए हाईकोर्ट की तरफ से? देखो ये असंभव सा नजर आ रहा है, क्योंकि जो संवैधानिक मामलों या संवैधानिक मूल्यों का, संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कोर्ट तय करेगा। हालांकि संगठनों ने अपनी याचिका में पूर्व जो न्यायालय उनके आदेश का भी हवाला दिया है, लेकिन चूंकि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए पहले सरकार से इस मामले में सरकार का उद्देश्य जो है हाईकोर्ट पूछ सकता है, सरकार से जवाब मांग सकता है,
जिन विभागों ने जो व्यवस्थाएं दी हैं। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, आप बता रहे कि लंच के बाद इस मामले में सुनवाई होगी, नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बात करते हैं आज की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर की। देखिए कांग्रेस के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने वाली है। नामांकन के लिए सोनिया गांधी सुबह 9 बजे पहुंच भी चुकी है और उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आए हुए हैं। सोनिया गांधी राजस्थान विधानसभा में सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खाली हो रही सीट पर सोनिया गांधी राज्यसभा जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ विधायक इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी खबर है कि 9 बजे जयपुर पहुंच चुकी है। इंद्रजीत चुनाव हार गई थी भाई, बांग्लादेश का आगाज करवा दिया उन्होंने, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, गरीब हटाओ की बात उन्होंने करी, सब कुछ किया, पर जनता ने उनको भी एक जब मौका आया तो पराजित कर दिया। वाजपेयी गवर्नमेंट चली गई, इंडिया साइनिंग और फिल्म करते करते क्या पता पड़े इस गवर्नमेंट का क्या हर्ष होगा, टाइम बताएगा। देखिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी, नेता प्रतिपक्ष और हमारे प्रभारी रंधावा साहब और हम सब नेताओं ने आग्रह किया था कि सोनिया गांधी जी अगर राज्यसभा में आती हैं तो राजस्थान से आएँ तो ये हमारा सौभाग्य होगा, और हमने आमंत्रित किया था आदरणीय मैडम को कि आप राजस्थान से राज्यसभा से आइए, हमें बहुत खुशी होगी। अब देखते हैं पार्टी आला कमान क्या निर्णय लेता है। हमें अलर्ट मोड के लिए कहा गया है, सारे विधायक हमारे यहाँ हैं, जो भी आला कमान प्रत्याशी देंगे उनके लिए हम तैयार हैं। सारे MLA हमारे जो है 70+1 71 MLA हमारे राजस्थान में आज जयपुर में हैं, आज आएँ कल आएँ, कल 3 बजे तक का नामांकन है। जब भी आला कमान का निर्देश होगा पूरी पार्टी और पूरे विधायक एकजुट होकर के उनके साथ में है, और जो भी प्रत्याशी आएगा वो 100% जीतेगा। देखिए मैं ये समझता हूँ सोनिया जी अगर राजस्थान से ही आ रही हैं और आज नॉमिनेशन करती हैं तो हमारे लिए तो बड़े गर्व की बात है और पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। ऐतिहासिक क्षण है ये कि हमारी राष्ट्रीय लीडर हैं और एक त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, एक उनका अलग ओरा पूरे देश के अंदर है कि जिस प्रकार से उनका राजनीतिक जीवन रहा है, उनकी बेदाग छवि रही है, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़ के कोई बात राजस्थान के लिए नहीं हो सकती, हमारे लिए गौरव की बात है। किस तरह से कांग्रेस नेता उत्साहित है और ठीक 11 बजे विधानसभा पहुंचाएंगी सोनिया गांधी, जैसे ही नामांकन से जुड़ी हुई खबर आएगी आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल एक और बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को दे दें कि बीजेपी प्रत्याशी कल नामांकन दाखिल करेंगे। मदन राठौर, चुनीलाल गरासिया कल नामांकन करेंगे अपने दर्शकों